हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो अभी जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस राशि वालों के लिए। देखेंगे उनकी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है 21 से 31 मई के दौरान। यूनिवर्स 21 से 31 मई धनु राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल उनकी लाइफ में, लव लाइफ में। लव लाइफ 21 से 31 मई। फूल, एस ऑफ वॉन्स, एस ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ वाव। यूनिवर्स मुझे बताएं करंट एनर्जी क्या है, करंट एनर्जी धनु राशि वालों की, करंट एनर्जी उनकी लव लाइफ की, करंट एनर्जी बताएं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, दी मून। ओके, करंटली आप इनडिसीजन से गुजर रहे हैं, करंटली आप डिसाइड नहीं कर पा रहे। कोई तीसरा व्यक्ति है जो आपको प्रपोज कर रहा है या ऑफर कर रहा है, या जो कोई तीसरा व्यक्ति आप में इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं डिसीजन नहीं ले पा रहे, और आप में से कुछ लोग, अगर आप सिंगल नहीं हैं और आप कोई नया ऑफर देख ही नहीं रहे थे, राइट, कोई नया ऑफर आया ही नहीं, ऐसा कुछ है लाइक अगर मैरिड हो, कमिटेड हो, समथिंग, तो इन दैट केस आप थर्ड पार्टी को लेकर परेशान हो, थर्ड पर्सन को लेकर, लाइक ये थर्ड पर्सन क्यों है हम दोनों के बीच में, प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट कर रहा है, सैडनेस है, इनडिसीजन है, स्ट्रेस है, एक डिप्रेसिव एनर्जी है, खाली से हो, अकेले से हो, ऐसी एनर्जी है जहाँ पर अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा लोनलीनेस है, पर आप किसी को दिखाते नहीं वो अपनी तकलीफ। काम में बड़े व्यस्त हो, काम पे बड़ा फोकस कर रहे हो, और कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को हील कर रहे हो। 21 से 31 मई के दौरान आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आती हुई नजर आ रही है। ब्लेसिंग्स कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक बहुत ही ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आप थक हार के एक अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे, अपनी लाइफ पे फोकस करेंगे, अपने काम पे ध्यान देंगे, पर वहीं पे अचानक से आपके लिए एक ऑफर क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है। स्पेशली अगर आप सिंगल हैं या आप शादी वगैरह के लिए सोच रहे थे, तो आपके लिए शादी का ऑफर या प्रपोजल आता नज़र आ रहा है, या लव ऑफर आपको आ सकता है, मिल सकता है। कोई व्यक्ति आप में इंटरेस्ट ले रहा है, कोई व्यक्ति आप में अट्रैक्टेड है, कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए रहना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है जहाँ पर लव, पीस और एक फैमिली आते हुए नज़र आ रही है आपकी तरफ, एक पीसफुल एनवायरनमेंट, एक ब्लेसिंग क्रिएट होती हुई नज़र आ रही है, कुछ रिवॉर्ड्स आते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके अंदर अट्रैक्शन भी गजब बढ़ता नज़र आ रहा है, और मून का एलिमेंट आपके अंदर बहुत अच्छा देखा जाएगा, जिसकी वजह से आपके अंदर ग्लो, शाइन अच्छी खासी बढ़ेगी, अट्रैक्टिव होंगे लोग आपकी तरफ, आकर्षित होंगे। इमोशनली आप जो है, जो लोनलीनेस फील कर रहे हैं, उसमें किसी प्रकार का कंप्लीशन फील हो सकता है, ठीक है। अब ये एक्स होगा कि नेक्स्ट, वो तो हम आगे देखते हैं, आपके एक्स के एनर्जी से ये कहीं ना कहीं कंफर्म हो जाएगा, बट एज ऑफ नाउ तक की, अभी तक की स्थिति मुझे यहाँ पर दोनों की ही दिख रही है, यहाँ पर न्यू और एक्स दोनों के आने के चांसेस दिख रहे हैं, बट लेट्स सी आगे क्या एक्सपेक्टेड है, हम आगे की एनर्जीज को टेस्ट करते हैं और कंफर्म करते हैं इस चीज़ को। बाकी यस, इमोशनली आप कंप्लीट फील कर सकते हैं, कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड और सेटिस्फैक्शन जो बहुत समय से आपको नहीं फील हुआ, वो फील हो सकता है आने वाले समय में। 21 से 31 मई आपके लिए बहुत अबंडेंट हो सकता है, बेसिकली ब्लेसिंग्स लेकर आता हुआ। कुछ लोगों के यूनियंस भी बहुत स्ट्रांगली यूनियन होने के चांसेस हैं, अगर आप लोग वो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो यूनियन हो सकता है। लेट्स सी अब आपके एक्स की एनर्जी। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की, सैजिटेरियस राशि वालों के पार्टनर की करंट एनर्जी बताएं, पहले इनकी करंट एनर्जी। टू ऑफ कप्स, एट ऑफ, आपके पार्टनर करंटली आपके प्रति बहुत लव फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लव फील कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी है बिकॉज ऑफ किसी मजबूरी के चलते ये व्यक्ति आपसे दूर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं दूर हो रहे हैं, और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आप डेफिनेटली किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, किसी थर्ड व्यक्ति के वजह से, या इनकी ईगो क्लैश की वजह से, इनके अपने डिमांड्स और टर्म्स एंड कंडीशन की वजह से आपके रिलेशनशिप में ऐसा है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हुए भी आपसे दूर हो रहे हैं, अपने सपनों का महल तोड़कर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। ये करंट एनर्जी है, सैडनेस है, अकेलापन है, एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये आपसे दूरी बना रहे हैं, इमोशनली डिस्टर्बेंस है, मेंटली ऐसा लग रहा है जैसे कि ये इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं पर ये रह नहीं पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं दुखी हैं, अपसेट हैं, मूव ऑन कर रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं 21 से 31 मई के दौरान धनु राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या होंगी। नाइट ऑफ कप्स, डेविल, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, स्टार, यस डेफिनेटली। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर के एक्शन, धनु राशि वालों के पार्टनर के एक्शंस क्या हैं। 21 से 31 मई के दौरान धनु राशि वालों के पार्टनर के एक्शंस क्या होने वाले हैं। यस डेफिनेटली, आप लोगों की लव लाइफ में वापस एंट्री हो सकती है आपके एक्स की,
पर दिस टाइम वेरी सीरियस, वेरी 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 सीरियस। तो धनु राशि वालों, इस समय ऐसा लग रहा है कि 21 से 31 मई के दौरान आपके पार्टनर एक फियर ऑफ लॉस से गुजरेंगे। कोई बहुत डरावना सपना आ सकता है जिसमें ये आपको खोते हुए महसूस करेंगे, या किसी व्यक्ति की प्रेजेंस से अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, या आपको जाते हुए महसूस करेंगे। इन्हें लगेगा आप चले जा रहे हो, अब बस अब आप नहीं आओगे, अब सब कुछ खत्म। एंडिंग महसूस होगी इन्हें बहुत स्ट्रांगली, आपके प्रति एक अजब गजब लेवल का आकर्षण महसूस करेंगे। ऐसा लगेगा जैसे इमोशनली ड्रेन्ड हो रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं कि यार मैं इतना बड़ा रिस्क कैसे लूँ। हेल्थ की प्रॉब्लम भी हो सकती है। आपके प्रति एक मैग्नेटिक पुल फील करेंगे, आपके प्रति रोमांटिक एनर्जी फील करेंगे, बहुत प्यार महसूस करेंगे। आपके लिए प्रार्थनाएं करेंगे कि यार भगवान मुझे वापस चाहिए, इस इंसान को वापस ला मेरे लिए। मैनिफेस्टेशन, प्रार्थनाएं, पूजाएं, जो बन पड़े, मतलब दिली दिन जैसे कामनाएं कर रहे हैं कि यार ये इस इंसान को ना ले आ मेरी जिंदगी में, कैसे भी, साम दाम दंड भेज, कुछ कर और ला इस इंसान को। इनके एक्शंस दिखाई दे रहे हैं। यस, देयर इज वेरी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी आपके एक्स की एंट्री दोबारा हो रही है आपकी लाइफ में। हाँ, अगर आप एक्स नहीं चाहते हो तो वो एक अलग बात है, वरना एक्स की एंट्री तो है भाई। आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही है, ऐसा लग रहा है कि भगवान आपके साथ कुछ इंसाफ कर सकता है। अपॉर्चुनिटीज़ इस बार एक्सप्रेसिव है, ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर आपको सरप्राइज़ दे सकते हैं, आपको अपना प्यार दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके पास दौड़ कर आते हुए नज़र आ रहे हैं। आई कैन ऑल्सो सी अ ट्रैवलिंग, तो अगर आप लोग दूर दूर रहते हो तो हो सकता है ये ट्रैवल करके आए, अचानक से ट्रैवलिंग भी हो सकती है, ये आपको सरप्राइज़ दे सकते हैं, हैरान कर सकते हैं, जहाँ पर आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। और आपके लिए रिलेशनशिप ऐसा हो गया कि नहीं यार कुछ नहीं होना, सब कुछ खत्म, बस अब निकलो, अब छोड़ दो यार इस रिलेशनशिप से, क्या ही उम्मीद रखनी है। वहाँ पर अचानक से आपकी एक्स की एंट्री हो रही है वापस से, एक नए फेस के साथ। अपने दर्द को छुपाते हुए अपनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ ही आपके पास लौटेंगे। लाइक ऐसे नहीं दिखाएंगे कि इनकी लाइफ में क्या हो रहा है, बस एक मुस्कुराहट के साथ वापस लौटते नजर आ रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं इंटेंशंस क्या हैं, धनु राशि वालों के पार्टनर के इंटेंशंस क्या होंगे 21 से 31 मई के दौरान, इनके पार्टनर के इंटेंशंस क्या होंगे इनके लिए। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, एक क्वीन ऑफ वॉन्ड, ये आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने के लिए। आपके पार्टनर अब आपके साथ जो है इस रिलेशनशिप में हैप्पी रहना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप इनको छोड़कर ना जाएं, कुछ भी हो जाए पर इनको आप नहीं छोड़ें। ये आपको केयर करना चाहते हैं, ये आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, ये आपकी हेल्प भी करना चाहते हैं और आपसे प्यार करना चाहते हैं। बेसिकली इनको आपकी ज़रूरत है, इनको ऐसा लगता है, ये आपको चेस करते हुए, आपको स्टॉक करते हुए, आपके लिए पगलाते हुए, ऐसा लग रहा है आपकी मन की इच्छा पूरी हो रही है। आपने ही इनको अट्रैक्ट करके बुलाया है, आपने ही इनको अपनी लाइफ में दोबारा खींचा है, आप ही इनको बुलाए हो वापस कि यार आ जाओ, बस हो गया, जिसके वजह से सेलिब्रेशन है। ऐसा लग रहा है, इनको लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी की जो हैप्पीनेस कहीं ख़त्म हो गई है, ये खुश नहीं है, ये हंसते नहीं है, ये हंसती नहीं है, ये मुरझा गए हैं। पिछले कुछ टाइम से बहुत मुरझा गए हैं, इनकी लाइफ में किसी चीज़ की ऐसी एनर्जी नहीं है जिस पे खुश हो जाए। और इन्हें एक गट फीलिंग है कि आप ही हो जो इनको हंसने पर मजबूर कर सकते हो, आप ही हो वो जो इनको दोबारा वो रोशनी दे सकते हो जो इनके अंदर से चली गई है, जो मोटिवेशन जो इनको चाहिए, जो मोटिवेशन चाहिए अपने जीवन को जीने का, कोई काम करने का, वो आप दे सकते हो, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपके पास वापस लौट रहे हैं। इनको लग रहा है आप ही हो जिसको लेकर ही अपने जीवन में ग्रो कर सकते हैं, नहीं तो अपनी लाइफ में हमेशा ही गिरते रहेंगे। ये अपनी लाइफ के फॉल को फेस कर रहे हैं, इन्हें लग रहा है इनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, टेंशन आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, वो सब बढ़ जाएगा अगर आप इनके जीवन में नहीं रहे। अपनी ज़िंदगी में अब आपकी कमी को, आपके पावर को फील कर रहे हैं, लाइक आपकी कमी को, और ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपका इनके जीवन में होना कितना पावरफुल था, कितना ज़रूरी था। इस तरीके की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। यूनिवर्स मुझे बताएं नियर फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है धनु राशि वालों के लिए, नियर फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है उनकी लव लाइफ में। हैंगमैन, टू ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, एस ऑफ सॉर्ड्स, ओके क्लारिफाई, एस ऑफ, वाओ, ओके। नियर फ्यूचर में ना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके पास एक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होगी, आपको इनके अलावा एक और ऑफर मिल सकता है, एक ऑफर मिलेगा, या आप अचानक अपने करियर को बहुत ज़्यादा आगे ले जाने के बारे में सोचोगे, और ये करियर हो सकता है आप विदेश में ट्राई कर रहे हो या कहीं जाने का सोच रहे हो, कुछ ऐसे स्टेप्स जिसमें आपको ऐसी कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी कि आप इनको चुने या इनको चुने, आप बहुत उलझने वाले हो, आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि अब मैं करूँ तो करूँ, अब मैं दुविधा में फंस गई या दुविधा में फंस गया। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो तो रही है ऑलरेडी, आपके पार्टनर की भी इस बार स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, आप लोग दोनों के मैनिफेस्टेशन पूरे होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं, सक्सेस, विक्ट्री मिलने के चांसेस है इस रिलेशनशिप में। हुर्रे दी, मजा आ गया आज की रीडिंग तो भाई साहब। दीदी कहाँ है, मिठाई देते हैं आपको, भेजेंगे हम मिठाई, है ना,
क्लेम कर दो इस एनर्जी को, कमेंट बॉक्स मैंने ओपन कर दिया है, आप लोग क्लेम कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, ठीक है। अभी गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स मुझे बताए गाइडेंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, धनुराशि वाले जो व्यूवर्स हैं मेरे, उनके लिए गाइडेंस क्या है। इक्कीस से इकतीस मई के लिए उनकी लव लाइफ के लिए, उनके लिए गाइडेंस क्या है। हाई प्रिस्टेस, एट ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो ये वो टाइम है जहां पर आपको भरोसा रखना पड़ेगा भगवान पर, यूनिवर्स पे। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि अरे यार अब मैं भरोसा करूं नहीं करूं, मैं आगे बढ़ूं नहीं बढ़ूं, नहीं। आप नेगेटिव पे फोकस नहीं कर सकते। आप ट्रस्ट इश्यूज को अगर फेस कर रहे हो, आप अपनी हीलिंग वाइब्रेशन में नहीं हो, तो गया सत्यानाश, ये रिलेशनशिप आपके हाथ से चला जाएगा। आपको फेथ रखना होगा यूनिवर्स पे, आपको भरोसा करना होगा, ठीक है, अपनी स्पिरिचुअलिटी की और अपने आप को संभालना होगा, प्रेम से पोलाइटनेस से अब चीज़ों को हैंडल करना होगा। देखो ऑलरेडी आप बहुत समय से ना इस रिलेशनशिप में बहुत टॉक्सिक फील कर रहे हो और स्टक फील कर रहे हो। अगर ये रिश्ता वापस आ रहा है तो आप ऐसा अगर सोच रहे हो कि नहीं यार मैं तो टॉक्सिक हो गया, अब फिर मैं स्टक हो गई, अब मैं आगे कैसे बढ़ूंगी, मेरा फ्यूचर क्या होगा, बस फिर सत्यानाश, फिर आपने कुछ बुरा ही मैनिफेस्ट किया है। लेकिन अगर आपके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो। उसके लिए ऐसे मत सोचो कि अरे अब ये अब तो फिर टॉक्सिक हो गया, ये फिर से कन्फ्यूजन है, अब इसकी क्या गारंटी है बंदा मेरे साथ होगा या बंदी अब परमानेंट आए हैं। भाई इतने डाउट करोगे तो फिर नहीं हो पाएगा, फिर मुश्किल है। ट्रांसफॉर्मेशन तो आपके अंदर भी होना चाहिए। आप डिफेंसिव या ऐसे नहीं हो सकते, आप अपने आप को गार्ड करोगे कि नहीं 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 मुझे तो प्यार नहीं चाहिए, या मुझे डर लग रहा है इसको अगर मैंने प्यार दे दिया या मैं इसके साथ लाइक इमोशनली इन्वॉल्व हो गई या हो गया तो यार फिर मेरे को धोखा दे देगा। नहीं, भगवान की आई हुई ब्लेसिंग्स को आप ठुकरा रहे हो, फिर आप खुद रिजेक्शन दे रहे हो और उसके बाद आप बोल रहे हो अरे यार मेरे से नहीं हो रहा। अब यूनिवर्स आपके लिए कुछ स्पिरिचुअलिटी की ओर दे रहा है, आपको एक्शंस लेने हैं, पर आप एक्शन लेना ही नहीं चाह रहे। आप नहीं यार मेरे से नहीं हो पाएगा, आपका ध्यान नेगेटिव पे ज़्यादा है, बिट्रेल पे ज़्यादा है, आपको ये फोकस करना है कि अरे नहीं ये गलत हो रहा है। आप एनर्जी में अगर आपको लग रहा है कि आप क्लियर नहीं हो, तो बेटर है कि किसी तीसरे व्यक्ति से आप जो है, अगर आपके पार्टनर आ रहे हैं या कुछ ऐसी है, तीसरे व्यक्ति से आप कोई एडवाइस ले लो। अभी तीसरा व्यक्ति कोई भी हो सकता है, फैमिली के किसी व्यक्ति से, फ्रेंड से, किसी टैरो रीडर स्पिरिचुअल हीलर्स को भी पूछ सकते हो, किसी से राय ले लो अगर आप कन्फ्यूज हो, ठीक है, किसी से राय ले लो अगर आपको लग रहा है कि मैं डिसीजन ही नहीं ले पा रही हूँ, टॉक्सिक फील हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, अब इस इंसान के इंटेंशन का कोई भरोसा नहीं है। अगर ऐसा फील हो रहा है तो किसी की राय लो, नहीं तो बिलीव करो, यूनिवर्स बोल रहा है फेथ रखो, प्रोसेस पे बिलीव करो, प्रोसेस तुम्हारे लिए हुआ है। अगर सोचो कोई व्यक्ति बार बार आपके पास आ रहा है, वो यूं ही तो नहीं होगा, ऑब्वियसली वो अगर बार बार एंट्री ले रहा है तो उसका और आपका कोई तो चैप्टर है जो आधा है, जिसको कंप्लीट करने की जरूरत है। हो सकता है आप जो है उस चीज़ को देख नहीं पा रहे हो। अब इसका मतलब ही नहीं कि अब आते ही एकदम भाग दौड़ लोगों, नहीं नहीं अब तो अब भी आते ही शादी वादी कर लेगा और आते ही बोलेगा चल मंडप के फेरे लगा लेंगे, ऐसे थोड़ी ना होगा। सामने वाले को आने दो, उसे इमेंस लव दो, प्यार दो, उसे दिखाओ कि यू हैव बिकेम अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन, यू आर नो मोर द सेम पर्सन। रोने धोने वाली एनर्जी नहीं है आप में, आप वो हो गए हो जो बहुत ही एकदम फन लविंग, एकदम हंसने मजाक करने वाले हैं, जो उनकी एनर्जी को वाकई बूस्ट कर सकता है। उन्हें बताओ कि तुम हमारे बिना तो अधूरे हो और अधूरे ही रहोगे भाई साहब, जो है तुम आने के बाद ही हम ही पूरा कर पाएंगे तुम्हें। तो ये अब ओवर गिविंग भी मत हो जाओ, अब ये चीज़ का ध्यान रखना कि ओवर गिविंग मत हो जाना। क्या दीदी आपने तो बोला था प्यार दो हमने प्यार, अब भी यहीं पे प्रॉब्लम है। बैलेंस, आपके अंदर बैलेंस होना ज़रूरी है। अपने इंट्यूशंस पे बिलीव करो, आपको इंट्यूशंस आते हैं इस रिलेशनशिप में, आप इंट्यूटिव हो बहुत स्ट्रांगली, आपको पता है ये रिलेशनशिप आपको क्या डिलीवर करेगा, तो उस पर फेथ रखने की कोशिश करो, उस पर भरोसा रखो, आपकी इंट्यूटिव पावर बहुत स्ट्रांग है ना। आपको खुद से फीलिंग आती होगी, कोई सपना कोई एनर्जी, तो उस चीज़ पे भरोसा करो। डाउट इफ बट से चक्कर में ना आप अपने जीवन में खुद नेगेटिविटी को न्योता देने पे लगे हुए हो, ठीक है। यहाँ पर एक इंट्यूटिव एनर्जी है, हाई प्रिस्टेस है ना, इंट्यूटिव एनर्जी है ये, भाई भगवान की बंदी है, इसको सब पता है, ठीक है, इसको सब पता है। ये काइंड ऑफ हम ना जब सिखाते हैं टैरो में, तब मैं उनको बोलती हूँ यार ये तो तुम ऐसा समझ लो कि नन है या तो कोई फादर है, फादरी है, मतलब प्रीस्ट वगैरह है जो चर्च के, वो हैं, ये भगवान के बंदे हैं, इनको सब पता है, ये भाई इनको बोलो तो ये कुछ भी चीज़ों को पलट सकते हैं। तो ये आपकी इंट्यूशन है जो आपको बता रहा है, आप भगवान के बंदे हो इस वक्त, आपको सब पता है, भगवान आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है, रिवॉर्ड्स दे रहा है, आपको साइंस दे रहा है, बट क्या आप उसको देख पा रहे हो, क्या आप उसे समझ पा रहे हो? अगर नहीं तो फिर तो रह गया, अटके ही रह जाओगे। एक ही जगह अटके रहने का मतलब नहीं है, आगे बढ़ो, क्लियर टॉक करो। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो या तो किसी तीसरे व्यक्ति से बात करो या अपने पार्टनर से क्लियर बात करो कि यार आगे का क्या प्लान है, आ तो गए हो, आने का आगे का क्या सोचा है, ठीक है।
और अगर लग रहा है कि डिफरेंस बार बार यही ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन बन रही है, बार बार पार्टनर जाता है आता है, स्पेशली अगर मैं एडवाइस करूँ उन लोगों को जो सिंगल है, अगर आपको लग रहा है पार्टनर का आना जाना लगा हुआ है, कोई डिसीजन ही नहीं है यार, ये तो फ्यूचर में शादी भी नहीं कर सकता या कुछ हो भी नहीं या कर भी नहीं सकती, तो यार फ्रेंड बन जाओ, क्योंकि ऐसा है कि अब आप इस चैप्टर को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, आपको भी ये पता है कि ये कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो फ्रेंड बन जाओ और एटलीस्ट अपनी लाइफ में ऑप्शंस देखो, लुक फॉर दी ऑप्शंस, ठीक है। बट ओवरऑल तो मैं देखूँ तो ब्लेसिंग्स आ रही है आप लोगों के लिए धनुराशि वालों, सब बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है, भगवान से प्रार्थना करो, सब पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव ही मिलने वाला है, ओके। सो ये एनर्जी अच्छी लगी क्लेम करो, कमेंट में भी क्लेम कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, उसके अलावा अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए, ब्रेसलेट या कोई और जानकारी, सब डिटेल्स आपको वीडियो के ठीक नीचे भी मिल जाएंगी, ओके। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।